अब्दुल कादर हमारा भी दोस्त है बलूचिस्तान से, जब सेनेट की टिकट सीट दी तो तारिक इंसाफ ने कहा करप्ट तरीन आदमी है, लैंड माफिया है, हमने टिकट वापस ले ली। और जब वो सेनेटर बन गया तो फिर उसको हम हार पहना रहे हैं पीएम हाउस में। ये जो गुफ्तार का गाजी होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें किरदार का पहलू भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो बात करें उसका वज़न हो। मिसाल के तौर पे ये किसी ने उनको नहीं समझाया खान साहब को कि 15 बंदे या 15 वोट बिक गए, करप्ट हैं, गंदे हैं, फिर वो उन्हीं से इत्माद का वोट लिया गया। मैं जिस तरफ देखता हूँ ना वो यही है, इस पूरे खेल तमाशे से पाकिस्तानियों का वक्त जाया होगा और एक तमाशा है ये, कुछ अरसे के लिए है, मिलता कुछ नहीं है गरीब आदमी को, आम आदमी को। ये सेनेट इस वक्त सरमायादारों का एक क्लब बन गया है, और खुद सरकार के पार्टी के मेंबर ने एतराफ किया कि 35 करोड़ में टिकट दिए गए। अब जो आदमी 35 करोड़ लगाकर सेनेट में आ जाए वो अपने नहीं, 35 करोड़ एक टिकट के दिए, एक सेनेटर के वोट के लिए, एक एमपीए को दिए गए। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इतना खर्च करेगा वो आपके लिए सोचेगा या अपनी जात के लिए सोचेगा? इसलिए इस स्टेटस को के नतीजे में पाकिस्तान का जोग्राफिया, पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान की अवाम गैर महफूज है। और जमात इस्लामी ने इसलिए एक उसूली मौके पर अख्तियार किया है कि हम इस सिचुएशन में अवाम को आगाह करना चाहते हैं, मुनज़म करना चाहते हैं, सरमायादारों और जागीरदारों और करप्ट माफिया की खेल से आपको कुछ नहीं मिलना, जमात इस्लामी का साथ दे दे ताकि एक वेलफेयर इस्लामी रियासत वजूद में आ जाए जिसके लिए हजारों और लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। हमारे मुल्क के अंदर हम हालात और वाकयात में हवा चलती है, अब हवा तो एक डिफरेंट हो गई है ना, तो इस हवा में वो कैसे कामयाब होंगे इत्माद का वोट हासिल करने में? देखिए सरदार साहब, ये अब उनका अपना एक सियासी फैसला है कि वो क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो अब ये है कि वो युवान का एतमाद हो गए हैं। अब अगर वो एक दिन भी हुकूमत में रहता है बगैर एतमाद दिए तो वो एक काबिज माफिया के तौर पर तो रहेगा, एक रियलिटी के तौर पर जमहूरी कल्चर के मुताबिक अक्सरियत में नहीं रहे। इसमें नियल साहब दो पहलू हैं। देखें, एक चीज़ ये है कि उसमें आप एक क्रेडिट इमरान खान को आपका देना बनता है, वो क्या है कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बातें ये जमातें करती रहीं, लिखती रहीं, डॉक्यूमेंटेड हिस्सा है सीओडी में, बाद में 22वीं तरमीम पे नवाज शरीफ ने बात की, एहसन इकबाल ने बात की, हमने तो उसके लिए अमलन कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट गए, बाकी जगहों पर गए। अगर गुजारिश होने देखें, लेट की बात नहीं है नियाजी साहब, बात होती है नीयत की। अगर ये इस चीज़ के हक में होते, क्योंकि ये करप्ट निज़ाम के महाफिज हैं, इसका तहफ़ चाहते हैं, ख़रीदो फरोख का तहफ़ चाहते हैं, इन्होंने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत की। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर ये ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो ये ख़रीदो फरोख ना होती, क्या अब ये इमरान खान के ज़ुम्मे में है कि कानून भी ठीक ना होने दें और वो हर बार लोगों को निकालता रहेगा? हर इलेक्शन होगा, हर इलेक्शन में लोग बिकेंगे, लोगों को निकालते रहेंगे, या हम सिस्टम को जड़ से ठीक करें?